हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। तो फिर से एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हम अपनी शॉप पर आ चुके हैं। तो आज हम बनाएंगे टिक्की वाले छोले। इस वीडियो में आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ कि इमली से बने टिक्की वाले छोले कैसे बनाते हैं। बहुत ही अलग और आसान तरीके से टिक्की वाले छोले बनाने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक और टिक्की वाले छोले की वीडियो मैंने पहले ही बना ली थी। अगर आप भी एकदम यही क्रिस्पी और टेस्टी छोले बनाना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से छोले बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार करता हूँ सभी को। मेरा नाम है सोनू जैन और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जैनिस्टी फास्ट फूड में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम छोले बनाने के लिए चने का यूज़ करेंगे। ये मैंने 1.5 किलो चने लिए। अगर आप यही छोले बनाना चाहते हो तो आपको चनी को लेना है और उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच खाना सोडा और इसमें पानी डालकर इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दें। आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं और इसे थोड़ा चलाकर इसे ढककर रख दें। उसके बाद हम लेंगे इमली। तो यहाँ हम इमली वाले छोले बनाएंगे। तो यहाँ मैंने बीज वाली 100 ग्राम इमली ली है। इसे भी आप अच्छे से धोकर इसमें पानी डालकर 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। तो 1 से 2 घंटे के बाद हमारी इमली फूल चुकी है और इसे हाथों से दबाकर इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम इमली का पेस्ट तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं तो किस तरह से यह पेस्ट को तैयार कर रहे हैं। अब इसे हम किसी भी चलनी से छान लेंगे और इसका पेस्ट रेडी कर लें। तो ये देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम इमली वाले छोले बनाएंगे। तो चलिए फटाफट टिक्की वाले छोले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने चना को उबाल लिया है। ये मैंने 1.5 किलो चने लिए थे और साथ ही लेंगे आलू। तो यहाँ हम 1 किलो आलू लेंगे। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब हम इसमें मसाले को भी ऐड कर लेंगे। तो पहले लेंगे रंग, कलर के लिए ये गौछाप रंग डाला है। फिर डालेंगे इसमें सफ़ेद नमक और डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच काला नमक और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच पीली मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। अगर आपने हमारी गरम मसाले की वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये हमने इमली का पेस्ट तैयार किया था, इसे भी हम ऐड कर लेंगे। इस पेस्ट को हम पहले आलू में मिक्स कर लेंगे। आप इमली का पेस्ट अपने हिसाब से ही डालें। और हमने आलू इसलिए ऐड किए थे, आलू से इसकी ग्रेवी बनेगी और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे ये अच्छी तरह से घुट जाए। आपको हाथों से अच्छी तरह से मसलना है। ये हल्के से सूखे लग रहे हैं तो इसमें हम हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इन छोलों का कलर काफ़ी अच्छा आया है। ये टिक्की वाले आलू मिक्स टिक्की वाले छोले हैं। अब ये अच्छी तरह से बनकर तैयार हैं। अब हम इसे किसी बर्तन में लगा लेंगे। इसे अच्छे से हम सेट कर लेंगे इसमें। और अब हम ऊपर से डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ अदरक और ये डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये हमारे टिक्की वाले छोले बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की प्रेस करके घंटे का बटन दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।